नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन लूसेंट सामान्य ज्ञान में आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की। हम आपको बता दें, इससे पहले लूसेंट सामान्य ज्ञान में हम दो क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहली क्लास में हमने बताया कैसे हमारे इतिहासकारों ने इतिहास लिखने से पहले कहाँ से स्रोत प्राप्त किए और कैसे लिखा गया इतिहास। इनमें अहम योगदान था धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ में वेदों का अहम रोल था, उपनिषदों का अहम रोल था। वहीं विदेशियों के विवरण में चीनी लेखक जो कि फाइयान, हेनसांग, अरबी लेखक अल रूनी, इबन बतूता, वहीं अन्य लेखक थे। वहीं यूनानी रोमन लेखक जिसमें मेगास्थनीज, डायोनीसिस इस तरह के लेखक थे जिन्होंने भारत आए और भारत के बारे में ही इन्होंने लिखा। इस तरह से इन सब स्रोतों से हमारे इतिहासकारों को हमारे इतिहास लिखने में मदद मिली। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी अहम योगदान है, जिसे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य शामिल होते हैं। हम आपको बता दें, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का माना जाता है कनिंगम को। ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का फादर इंडिया के अंदर किसे माना जाता है, वो माना जाता है कनिंगम को। उन्होंने पुरातत्व अभिलेखों में एहोल अभिलेख, पर्यागस्तंभ अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इस तरह के अभिलेख थे जिनसे हमारे इतिहास को समझने में, इतिहासकारों को समझने में और इतिहास लिखने में एक क्रमबद्ध तरीके से मदद मिली। देख सकते हो आप यह अभिलेख है। वो हम इन सब के बारे में आपको बता चुके इससे पहले। फिर हमने बताया आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में। हमने बताया कि कैसे इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल वो कालखंड जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, जिसमें पाषाण काल आता है। फिर हमने बताया आद्यैतिहासिक काल वो कालखंड जिस काल में लेखन कला का प्रचलन तो था लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका, जिसमें जिसका उदाहरण है सिंधु सभ्यता। ये आद्यैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हमने आपको बताया इतिहास के बारे में कि इतिहास मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, और इतिहास स्टार्ट होता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है वो होता है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से, और आगे फिर महाजनपदों उदय, मौर्य, गुप्त, हर्ष, फिर आगे जो इतिहास हम पढ़ेंगे वो इतिहास होता है। इसके अलावा हम आप बता दें, आग का आविष्कार भी पुरापाषाण काल में, पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, और उसके द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। इस तरह के अक्सर एग्जाम, वन डे एग्जाम में आ जाते हैं। यह आप नोट कर लेना, हमने इसको पहले आपको इसे करा रखे हैं विस्तार से। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। यह हमने हमारी दूसरी क्लास में आपको बता चुके हैं। आज बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता की। हम आपको बता दें, सिंधु सभ्यता का कालखंड कब से कब तक थी सिंधु सभ्यता, ये अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। लेकिन फिर रेडियो कार्बन पत्ती आई, जिसमें इसका इतिहासकार ने बताया, उसके जरिए रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य विधि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। हमने बताया आपको कि अलग अलग इतिहासकार पहले इसका अलग अलग कालखंड बताते थे, फिर रेडियो कार्बन पत्ती के जरिए जो इतिहासकारों ने जो बताया वह 2400 बीसी से 1700 बीसी तक है माना जाता है। इसका मतलब कि मेन इसका इसी वक्त तक था इसका कालखंड। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। 1921 में राय बहादुर साहनी ने की थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल युग में रखा जा सकता है, अथवा उस काल को एक काल को ब्रॉन्ज एज, कांस्य एज, जिस टाइम में जो धातु यूज होती थी ना
उस हिसाब से भी कालखंड को बांट रखा है। तो इस तरह सिंधु सभ्यता कांस्य युग में यानी ब्रॉन्ज एज में आती है और वैसे आद ऐतिहासिक काल में आती है। हमने बताया था आपको कि आद ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका इतिहास तो है, लिखा हुआ है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए सिंधु सभ्यता आद ऐतिहासिक काल में आती है और दूसरी कांस्य युग में आती है। ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ये कांस्य युग बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता कौन से युग में आती है, ब्रॉन्ज एज में, इसे हिंदी में कांस्य युग कहते हैं। इसके अलग आगे सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। यानी 1924 में सर जॉन मार्शल ने ये घोषणा की, जो कि उस टाइम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे, कि उन्होंने एक ऐसी सभ्यता की खोज की है जो कि नगरीय सभ्यता थी, एक उन्नत और नगरीय सभ्यता थी। हम आपको बता दें सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये भी एग्जाम में अक्सर आता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वहीं ये वैदिक और उत्तर वैदिक काल नगरीय सभ्यता नहीं थी, लेकिन सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये उन्होंने बताया 1924 में। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे, इसके अलावा स्थित सूत कांगडोर बलूचिस्तान में, यहाँ इनके स्थान मिले जो कि इन्हें बताया बलूचिस्तान में। वहीं पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, जिला मेरठ में है। इसके अलावा उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर में है। वहीं दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र तक। इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता अपने समय में 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व तक यहाँ यहाँ तक फैली हुई थी। नीचे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी नदी तक फैली हुई थी, ऊपर मादा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी, यहीं बलूचिस्तान पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैली हुई थी और इधर आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ में उत्तर प्रदेश में है, यहाँ तक फैली हुई थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हमने बताया आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यानी कि स्थल तो काफ़ी मिले लेकिन 6 स्थलों को एक बड़ी संज्ञा, एक बड़े स्थलों के रूप में संज्ञा दी गई है, जिसके बारे में हम आपको पढ़ेंगे भी, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा गनवारी वाला धोलावीरा राखीगढ़ी है कालीबंगन। सबसे पहले हड़प्पा स्थल मिला, इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। स्थल मिलने के नाम पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा था, क्योंकि सबसे पहले इतिहासकारों को हड़प्पा शहर ही मिला था, यानी हड़प्पा स्थल ही मिला था। सॉरी। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। जब हड़प्पा खोजी गई थी तो भारत अविभाजित था, इसके बहुत से स्थल पाकिस्तान में है, लेकिन जब भारत विभाजित हो गया तो उसके बाद जब भारत में हड़प्पा सभ्यता खोजने की बात चली तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता पश्चात बाद गुजरात में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे ज़्यादा स्थल मिले। ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया तो नहीं, लेकिन आ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले, तो आपका आंसर होगा गुजरात। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के जींद जिला में है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। हम आपको बता दें सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो में है, लेकिन यह अभी पाकिस्तान में जा चुका है। अगर भारत की बात करें तो राखीगढ़ी
गंगा नदी के किनारे जो कि हरियाणा के जींद जिले में स्थित है, और इसकी खोज सूरज भान ने की थी। आप इतना जरूर याद रखना कि राखीगढ़ी कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे है और हरियाणा में है और जिन जिले में है, ये याद रख लेना। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन इसके जबकि भारत में, अब मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में चला गया, भारत विभाजित तो हो गया 1947 में, इसलिए भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि घग्गर नदी के किनारे है और ये हरियाणा में जींद जिले में स्थित है। इसके अलावा लोथल और सूत कोद्दा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ये दो जगह स्थल पाए गए जिसमें बंदरगाह भी पाए गए, लोथल और सूत कोद्दा। इसके अलावा जुते हुए खेत भी मिले, नक्काशीदार ईंटों का भी प्रयोग के साक्ष्य मिले, वो मिले कालीबंगन से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर होगा काली मंगन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये आप थोड़ा रिवाइज कर लेना। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान घाट संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ये बताया गया है मोहनजोदड़ो से जो स्नान घाट जो प्राप्त हुए थे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्नानाघार किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो। ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, एक तो ये कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीबंगन में मिले हैं, वहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानाघार कहाँ मिले, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है, लोथल और सूदकोत्ता में। सबसे बड़ी स्थल भारत में कहाँ है, सिंधु सभ्यता का राखीगढ़ी में। पहले मोहनजोदड़ो था, लेकिन अब भारत विभाजित होने के बाद मोहनजोदड़ो के हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो अब भारत में प्रेजेंट है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के जींद जिला में है, जिसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। आगे अग्निकुंड लोथल व कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, यानी अग्निकुंड के बारे में क्या अग्निकुंड थे उनके पास, वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। कालीबंगन से एक चीज़ और प्राप्त हुई थी, अभी हमने बताया था आपको जुते हुए खेत, और लोथल में सिंधु सभ्यता के बंदरगाह पाए गए थे, लेकिन यहाँ अग्निकुंड और प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर तीन मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। हम आपको बता दें मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है जिसे हम पशुपतिनाथ की मूर्ति भी इतिहासकार कहते हैं, और वहाँ से उसके मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा विराजमान है। हम आपको बता दें इनको आप रिवाइज कर लेना कि इनके चारों तरफ कौन विराजमान है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो मोहनजोदड़ो में जो सील प्राप्त हुई उसके चारों तरफ कौन सा जानवर है या नहीं है। इसमें कई बार ऑप्शन में घोड़ा दे देते हैं, घोड़ा है या नहीं है, घोड़ा है नहीं है, तो इस तरह इनको एक बार आप रिवाइज कर लेना कि उनके चारों तरफ हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा विराजमान है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली, तो वो है मोहनजोदड़ो, जहाँ से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, मोहनजोदड़ो के स्नानघाट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू से, दूसरा मोहनजोदड़ो से नर्तक की कांस्य की मूर्ति मिली है, तीसरा मोहनजोदड़ो से एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है, घोड़ा नहीं है। आगे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन घोड़ा दे रखा था, वो गलत था, इससे मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा इसके अलावा हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक संगी पशु का अंकन मिला है, यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा भी दिखाया गया है। इसके अलावा मनके बनाने के कारखाने लोथल व चंदू चनू चन्हुदड़ो से मिले हैं,
मन के प्राण का अर्थखंड कहाँ से मिले? लोथल से और इससे। तो ये चन्हु जोड़ो तो नया सिंधु सभ्यता से बला है जिसके अंदर मन के बनाने कारखाने मिले हैं, लेकिन लोथल से इससे पहले क्या क्या मिल चुका? लोथल से भाई सबसे पहले तो मिला हमें वो क्या नाम है, लोथल से सबसे पहले हमें मिला बंदरगाह मिला, उसके बाद लोथल से हमें मिला अग्निकुंड मिला, और अब लोथल से हमें क्या मिल रहे हैं, मन के बनाने के कारखाने मिल रहे हैं। क्या क्या मिला लोथल से? लोथल से हमें मिला बंदरगाह, मन के बनाने कारखाने और अग्निकुंड। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा, वो हम बताएंगे आपको आगे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक थी। ये लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। नॉर्मली हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाई, दूसरी बाएं से दाई लिखी जाती थी। हम आपको बता दें यह आप याद रखना कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और उस वो दाएं से बाई लिखी जाती थी। इसके अलावा लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ये बता रहे हैं कि इन्होंने सुमेरिया की सभ्यता लेखन कला विकसित की थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में के विनाश के लिए ग्रिड पत्ती अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो नहीं लेकिन आ सकता है, लोथल नगर किस सिंधु सभ्यता के शहर स्थल के दरवाजे रोड की तरफ खुलते थे? तो वो थे लोथल। लोथल में इससे पहले क्या क्या मिल चुका है हमें? हमें इसमें मिल चुका है बंदरगाह, हमें यहाँ अग्निकुंड मिला, यहाँ हमें मन के बनाने के कारखाने मिले, उसके अलावा अब क्या मिला है, लोथल के जो खिड़की दरवाजे थे वो आगे की तरफ खुलते थे, खुले हुए मिले हैं। बाकी सभी शहरों के जो स्थल थे उनके घरों के खिड़की दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। एग्जाम पॉइंट इज इम्पोर्टेंट है। संदेववासी यानी सिंधु सभ्यतावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य बनमाली से मिले हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी से बने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनमाली से मिले हैं। और सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। इसके अलावा रंगपुर व लोथल में चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले हैं। इसके अलावा रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण भी मिलते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से क्या क्या प्राप्त हो चुका भाई? लोथल में बंदरगाह थे, मन के बनाने की कारखाने लोथल से मिले, चावल के साक्ष्य लोथल से मिले, वहीं खिड़कियों के दरवाजे भी लोथल के आगे की तरफ खुलते थे। और क्या मिले लोथल में? ये सब चीज़ें लोथल में मिल चुकी हैं अब तक। इसके अलावा सूरकोता कालीबंगन लोथल से सिंधु सभ्यता घोड़े के अस्थि पिंजरे में मिले हैं। उस हमने बताया था आपको कि उस जो मोहनजोदड़ो से जो पशुपति नाथ की जो मूर्ति मिली थी उसके चारों तरफ तो हाथी गंडा चिताओ वैसा थे, लेकिन कुछ मिले हैं घोड़े के साक्ष्य, वो मिले हैं रंगपुर, वो मिले हैं सूरकोता कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पिंजर के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा तोल की इकाई संबद्ध 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहिया एवं चार पहिया वाली बैलगाड़ी भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। वहीं मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय भी सिंधु सभ्यता से। मेसोपोटामिया ये मिस्र इजिप्ट वाला एरिया है जिससे कुछ वर्णित मिला है मेलुआ शब्द यूज हुआ है। उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि वो सिंधु सभ्यता से संबंधित था और वहाँ उस काल में व्यापार होता था मेसोपोटामिया से।
संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट को इतिहासकार होंगे, उन्हें कहा कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिले हैं। स्ववास्तविक चीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चीन से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये एग्जाम पॉइंट इस इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डाल दिया गया ऑप्शन में, क्या सिंधु घाटी से किसी मंदिर के अवशेष मिले, और आप क्या होगा, हाँ हाँ मिले हैं, लेकिन ये अच्छे से रिवाइज कर लेना कि सिंधु घाटी के नगर से किसी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुपड़ वाला सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। कौन सा सांड? कुपड़ वाला सांड। स्त्रियां मणिमूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृस्थानक थी, पितृस्थानक नहीं थी, यानी कि यहाँ माता को ऊंचा दर्जा दिया गया था, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है सिंधु सभ्यता में। हमने बताया आपको अब तक सिंधु सभ्यता के बारे में, हमने ये बताया कि इनका व्यापार चलता था इजिप्ट यानी मिस्र से, और वहाँ एक मेहरवा शब्द का अभिप्राय हुआ है जिसका ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। इसके अलावा सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपट और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों में रहने हेतु था, किले से घिरा हुआ था। अक्सर माना जाता है कि सिंधु सभ्यता दो हिस्सों में बटी हुई थी। ऊपर वाला जो हिस्सा था वो कुछ उच्च वर्ग के लिए था और नीचे वाला हिस्सा सामान्य लोगों के रहने के लिए था। इसके अलावा ये पूर्व हड़प्पा स्थलों से खेत जोत जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चुड़िया, और यहीं तो मिले थे खेत जोतने जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण। पर्दा प्रथा वैश्य प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। इसके अलावा शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं, शव को जलाते भी थे और गाड़ते भी थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युगम में समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संबंध सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। अभी तक इतिहासकारों को यह भी नहीं पता चला कि कैसे इतनी वेल अरेंज सभ्यता कैसे खत्म हो गई, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा या नेचुरल क्लाइमेटी इसका कारण रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण अभी मानते हैं वो कि बाढ़ ही कारण था। आग में पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहते थे, ईंटें पकाते थे आग में और उनको टेराकोटा कहते थे। यह हमने बताया आपको सिंधु सभ्यता के बारे में। हम बताते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिंधु सभ्यता के स्थल, वो किस नदी के किनारे हैं और वो किसने उसकी खोज की और वो कब खोज की गई, जो कि एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हड़प्पा एक स्थल है जिसका नाम से सिंधु सभ्यता का नाम पड़ा, वो रावी नदी के किनारे स्थित है। रिवाइज कर लेना आप, हड़प्पा स्थल किस नदी के सहारे है? रावी नदी के। इसके अलावा मोहनजोदड़ो किस नदी के सहारे है? सिंधु नदी के सहारे है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है लोथल, जो कि भोगवा नदी के सहारे है। इसके अलावा कालीबंगन, जो कि घग्गर नदी के सहारे है। आप ये चार तो याद, उसके अलावा धोलीवीरा जो कि लूनी नदी के सहारे है। कहने का मतलब है कि इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, आपको रिवाइज तो सभी करने हैं, लेकिन हड़प्पा जो कि रावी नदी के सहारे है, मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के सहारे है, लोथल जो भोगवा नदी के सहारे हैं, और धोलीवीरा जो कि लूनी नदी के सहारे हैं,
ये चार तो आपको अच्छे से रिवाइज करने ही करने हैं, क्योंकि इनसे एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा हड़प्पा स्थल जो कि रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है। वहीं इसके उत्खन खोद इसके यानी इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और ये इसके सहायक थे। एग्जाम में अक्सर दयाराम साहनी ऑप्शन में आता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के सहारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, जिसकी खोज रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। चनोहोदड़ा जो कि सिंधु नदी के सहारे है, सिंधु प्रांत में है, पाकिस्तान नवाब शाह जिला में है, जिसकी खोज मैके ने की थी। ये आप इनको रिवाइज कर लेना, अक्सर एग्जाम में ये दो ही ज़्यादातर आते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। इसके अलावा इनकी ये सभी नदी और ये लोथल बोगा नदी के सहारे है, इसकी खोज 1954 में हुई थी। और धोलावीरा लूनी नदी के सहारे है, इसकी खोज जो कि गुजरात में स्थित है, इसकी खोज 1967 1968 में हुई थी। हमने बताया आज आपको सिंधु सभ्यता के बारे में, बताया कि यहाँ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन चावल के रंगपुर और लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। ये बताया कि सिंधु सभ्यता में व्यापार भी होता था मोसोपोटामिया से, क्योंकि वहाँ के अभिलेखों में वर्णित है मेलो शब्द, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका संबंध सिंधु सभ्यता से था। हमने बताया कि मोहनजोदड़ो के स्नानगार कितने फेमस थे, जिसे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बताया है हमने कि सिंधु सभ्यता के लोग बंदरगाह का भी प्रयोग करते थे लोथल और सूदकोत्ता में, ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी और जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसी अलावा हमने बताया कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, जिसके चारों तरफ गैंडा हाथी चीता हुआ भैंसा विराजमान है। हमने ये भी बताया कि एक कांसे की मूर्ति मिली है नर्तकी की, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ये कुछ धातु हैं जो कि इन इन क्षेत्रों से मिली है, यह आप रिवाइज कर लेना। इसके अलावा हमने बताया कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। हमने बताया कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, वहीं धोलावीरा लूणी नदी के और लोथल भोगवा नदी के, ये चारों एग्जाम में अक्सर आते हैं और ये तो आपको याद करने करने, इसके अलावा आप याद करो तो एक प्लस पॉइंट है। हमने बताया आपको सिंधु सभ्यता के बारे में। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का लेक्चर थर्ड था, इससे पहले हम दो क्लास ले चुके हैं। हम आगे बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए हमारा सेशन कैसा लगा आपको। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। थैंक यू।